तो गुरुदेव का आदेश हुआ था कि जो बेजुबान पशु है, बेसहारा गौमाता है जो सड़कों पे घूम रही है, उनके पेट भरने की समस्या उत्पन्न हो गई। पहले दुकानें खुली रहती थी, होटलें खुली रहती थी, भोजनालय खुले रहते थे, तो कहीं ना कहीं गौमाता वहां से अपना पेट भर लेती थी। लेकिन लॉकडाउन, हमारे देश के गौरवशाली प्रधानमंत्री जिन्होंने इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए इसका एकमात्र उपाय जो है लॉकडाउन को समझा था, और उन्होंने जैसे ही लॉकडाउन का आह्वान किया, हमारे देशवासियों ने उसका पालन किया। खातेगांव नगर भी उसी तारतम्य में पालन करता आ रहा है। तो उस समय हमने गुरुदेव के आदेश से, गुरुदेव के मार्गदर्शन में, हमारे पूनम भाई बिश्नोई जी है, उनके खेत में जो हरी मक्का लगी हुई है विशाल, उसकी जो मक्का के भुट्टा के ऊपर से जो मक्का थी वो हमने कटाई करी। और दादाजी भक्त मंडल ने हमारे SDM संतोष तिवारी के मार्गदर्शन में, नगर पंचायत CMO आनंदीलाल वर्मा के सहयोग से हमको ट्रैक्टर उपलब्ध हुआ। हमारे पूनम भाई बिश्नोई के खेत से हमने हमारे गौ सेवा के प्रभारी, शासकीय महाविद्यालय खातेगांव के प्रभारी प्राचार्य डॉक्टर अभय जैन के साथ, हमारे दादाजी भक्त मंडल के प्रदेश संयोजक रवि शर्मा जी के नेतृत्व में, हमारे भाई सुनील अग्रवाल जी, रितेश गर्ग जी, मोनू भाई गर्ग, बिक्की भाई गर्ग और पिंटू भैया अग्रवाल, ऐसे सभी, रामचंद्र जी साहू, ऐसे सभी लोगों ने इस कार्रवाई को सतत चलाया। और हमने 18 दिन से लगातार हम गौ सेवा के इस कार्य में लगे हुए हैं। हमारे गोपाल अग्रवाल जी ने अभी रिचगांव के खेत से हमें ये मक्का उपलब्ध कराई है। तो नगर में जो आप देख रहे हैं कि जो सैकड़ों की संख्या में बेसहारा गौमाताएं घूम रही है, उनके भोजन के लिए हम प्रतिदिन एक आयसर और एक ट्राली भरकर मक्का कटवाते हैं। और पूरे नगर में नेमावर रोड से अजनास रोड, कन्नौद रोड, नगर की प्रमुख गलियां चूना भट्टी, अजनास रोड, कन्नौद रोड, अपने परशुराम कॉलोनी, आजाद मार्ग, सभी जगह पहुंचकर हम गौशाला गौ सेवा कर रहे हैं और गौ माता के भोजन के लिए मक्का का वितरण कर रहे हैं।